नमस्ते क्रिएटर्स, आइए YouTube के मेन ऐप में एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं। चाहे आपको ये देखना हो कि आपका चैनल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, या आपको अपनी किसी कंटेंट की परफॉर्मेंस जाननी हो, जैसे कि शॉर्ट वीडियो, वीडियो या लाइव स्ट्रीम की परफॉर्मेंस, तो YouTube ऐप में आपको ये सारी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। मेन ऐप में मौजूद एनालिटिक्स आपके चैनल के हिसाब से होता है, मतलब कि आपके चैनल पर जिस तरह का कंटेंट होता है आपको उसी तरह की जानकारी दिखती है। आइए जानते हैं कि ये सारी जानकारी कहां मिलेगी और इसमें क्या क्या होगा। शुरू करते हैं अपने चैनल लेवल एनालिटिक्स जानने के लिए। YouTube ऐप खोलें, इसके बाद सबसे ऊपर दाएं कोने में मौजूद प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, योर चैनल या आपका चैनल पर टैप करें। इसके बाद एनालिटिक्स वाले बटन पर टैप करें। एनालिटिक्स पेज पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने सारे कंटेंट की मेन मेट्रिक दिखेंगी, जैसे कुल व्यू, वीडियो देखने का कुल समय और सब्सक्राइबर। आपके चैनल पर जिस तरह का कंटेंट पोस्ट होता है उसके हिसाब से आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम वगैरह के विकल्प भी दिखेंगे। इन चिप पर टैप करने के बाद आपको उस टाइप के कंटेंट का डेटा अलग से दिखेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा देखे गए शॉर्ट वीडियो, वीडियो और लाइव स्ट्रीम भी दिखेंगी, जिसके साथ उनका व्यू काउंट भी होगा। यहाँ एक और सेक्शन होगा जिसका नाम है टॉप रीमिक्स या सबसे ज्यादा रीमिक्स किया गया कंटेंट। YouTube पर रीमिक्स एक ऐसा शॉर्ट वीडियो होता है जिसे किसी और के कंटेंट के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर आपका कंटेंट पहले रीमिक्स किया गया है तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा कि दूसरे लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रीमिक्स को मिले व्यू दिखेंगे। इन व्यू में उन सभी शॉर्ट वीडियो को मिले व्यू शामिल होते हैं जिनमें आपका कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि कितने वीडियो रीमिक्स किए गए हैं, यानी कि रीमिक्स किए गए उन सभी वीडियो की संख्या जिनमें आपका कंटेंट लिया गया है। आपको उन शॉर्ट वीडियो के थंबनेल भी दिखेंगे जिसे दूसरे लोगों ने रीमिक्स करके बनाया है। इसके साथ साथ उन वीडियो को मिले व्यू भी नजर आएंगे। जब आपके चैनल को अच्छी खासी संख्या में लोग देखने लगते हैं तो YouTube एनालिटिक्स आपको ऑडियंस के बारे में इनसाइट भी देने लगता है, जैसे उम्र, लिंग और देश या इलाका। ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी ऑडियंस कौन से चैनल और वीडियो देखती है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उनकी दिलचस्पी किस तरह के कंटेंट में है। अगर आपको चैनल के बारे में और डेटा चाहिए तो YouTube स्टूडियो मोबाइल ऐप में जाकर ज्यादा जानकारी देखें। आइए अब जानते हैं कि किसी शॉर्ट वीडियो का डेटा किस तरह देखा जाता है। किसी शॉर्ट वीडियो के आंकड़े देखने के लिए अपने चैनल के एनालिटिक्स में उस शॉर्ट वीडियो पर टैप करें या लाइब्रेरी पर टैप करें। इसके बाद योर वीडियोस या आपके वीडियो पर जाएं। यहाँ शॉर्ट्स पर टैप करके डेटा को फिल्टर करें। इसके बाद वो शॉर्ट वीडियो को चुनें जिसका एनालिटिक्स आपको देखना है। जब शॉर्ट वीडियो चलने लगे तब एनालिटिक्स बटन पर टैप करें। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपके शॉर्ट वीडियो को कितने व्यू मिले, कितने कमेंट किए गए, कितने लोगों ने उसे पसंद किया और उसे कितनी बार शेयर किया गया। यहाँ आपको शॉर्ट वीडियो को मिले व्यू का डेटा मिलेगा, साथ ही समय के साथ सब्सक्राइबर की संख्या में हुए बदलावों का डेटा भी मिलेगा। यहाँ एक और सेक्शन होगा जिसका नाम है टॉप रीमिक्स या सबसे ज्यादा रीमिक्स किया गया कंटेंट। अगर आपके शॉर्ट वीडियो को पहले से रीमिक्स किया गया है तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा कि दूसरे लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रीमिक्स को मिले व्यू दिखेंगे। इन व्यू में उन सभी शॉर्ट वीडियो को मिले व्यू शामिल होते हैं जिनमें आपका कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि कितने वीडियो रीमिक्स किए गए, यानी कि रीमिक्स किए गए उन सभी वीडियो की संख्या जिनमें आपका कंटेंट लिया गया है। आपको उन शॉर्ट वीडियो के थंबनेल भी दिखेंगे जिसे दूसरे लोगों ने रीमिक्स करके बनाया है। इसके साथ साथ उन वीडियो को मिले व्यू भी नजर आएंगे। यहाँ आपको अपनी ऑडियंस के बने रहने के बारे में भी जानकारी मिलेगी।
जैसे लोगों ने कितनी देर तक आपका शॉर्ट वीडियो देखा और लोगों ने इसे दोबारा देखा या नहीं। अगर मैट्रिक 100% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लोगों ने आपका शॉर्ट वीडियो एक से ज्यादा बार देखा है। आखिर में ट्रैफिक सोर्स वाले सेक्शन में आपको पता चलेगा कि ऑडियंस आपके शॉर्ट वीडियो पर कहां से आ रही है, जैसे शॉर्ट्स फीड से या यूट्यूब पर खोजकर। अगर आपको किसी शॉर्ट वीडियो के बारे में ज्यादा जानना है तो यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल ऐप में जाकर ज्यादा जानकारी देखें। हमें उम्मीद है कि यूट्यूब ऐप में मौजूद एनालिटिक्स से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके चैनल पर किस तरह का कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपकी ऑडियंस को कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। YouTube ऐप में मौजूद एनालिटिक्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।